साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे हम प्रभास की बात करें तो आपको बता दें कि प्रभास अपनी पैन इंडिया फिल्मों के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में प्रभास के पास कई सारी पैन इंडिया मूवी आ चुकी है और वो अपनी फिल्मों को पूरा करने में काफ़ी बिजी चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस फेमस एक्टर के पीछे कई एक्ट्रेस पीछे पड़ी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ कीर्ति सैनन आदि पुरुष में उनके साथ नजर आएंगी, वहीं श्रुति हासन सलार मूवी में उनके साथ नजर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर श्रुति हासन और कीर्ति सैनन दोनों ने ही प्रभास की तारीफें हर जगह करना पसंद कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर कीर्ति सैनन ने एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास का नाम लिया और उनके बारे में बहुत चीज़ें कही हैं। जी हाँ, उनके बिहेवियर से लेकर इनफैक्ट उन्हें मैरिज तक का ऑप्शन दिया है। वहीं हम बात करें श्रुति हासन के बारे में, तो आपको बता दें कि श्रुति हासन ने भी प्रभास के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। यानी कि अब ये एक्ट्रेस प्रभास के नाम से हेडलाइंस में बने रहना चाहती हैं। वैसे अभी प्रभास अपनी फिल्म राधे श्याम के बाद सलार की फिल्म कंप्लीट करने के बाद आदि पुरुष के सेट पर पहुंच चुके हैं और वो जल्द ही नाग अश्विन की फिल्म में नजर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।